सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो आप उत्तर रेलवे को याद रखेंगे, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। अब उत्तर रेलवे से याद रखना है, सोचे रेल में बैठे हुए हैं, रेल में बैठे हुए हैं, अब रेल में बैठे हुए हैं ना, तो अब मुकाम पर आ गए हैं, यानी कहाँ पर आ गए भैया? दिल्ली में आ गए हैं। तो अब क्या है, दो दोस्त बैठे हुए हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कहेगा? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे मतलब उत्तर। बोले कहाँ से उतर? बोले रेल में से उतर। बोले क्यों? बोले दिल्ली आ गए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सफर करके मतलब दिल्ली पहुंच रहे थे, तो जैसे ही दिल्ली आई तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से क्या कहा? उससे कहा उत्तर रेलवे, रेल में से उत्तर। और रेल में से उतर, बोले क्यों? बोले दिल्ली आ गए। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। देखो एक और चीज है, दो चार पांच अगर आपको नाम याद है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पूरे नाम याद होंगे तब बड़ी बात होगी कि हाँ भाई कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। अब उत्तर रेलवे से तुम्हें भी समझ में आएगा, यार हमें समझ में आता है उत्तर रेलवे, उत्तर की तरफ ही तो दिल्ली है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, है ना। अब देखिए दिशाएं जब इसमें जुड़ के आएंगी ना तो कन्फ्यूजन होगा। अब ये लिखा है दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय होगा वो कहां पर होगा? चेन्नई में होगा। अब दक्षिण से तमिलनाडु याद आता है, चेन्नई भी समझ में आ जाएगा, फिर भी अपन को याद रखना है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। तो हुआ क्या, अब एक दोस्त जो है उसकी नींद लग रही थी, दूसरे दोस्त ने बोला उत्तर रेल में से क्योंकि दिल्ली आ गए। अब दूसरा धीरे धीरे उसकी नींद खुल रही थी, वो धीरे धीरे आलस फैलाते हुए नीचे उतर रहा था। अब वो जैसे ही नीचे उतर रहा था तो अचानक से एक चोर ने, है ना, उसने गोल्ड की चेन पहन रखी थी, चोर ने उसकी चेन खींच ली, यानी कि छीन ली। दक्षिण रेलवे, है ना, दक्षिण रेलवे का मतलब रेल में से उसकी चेन को छीन लिया। अब जैसे ही उसकी रेल चेन को छीन के वो दौड़ा चोर, अब वो कहता वो चेन नई थी, मैंने परसों ही खरीदी थी, चेन नई थी। चेन कैसी थी? नई थी, पुरानी नहीं थी, चेन नई थी। यार देखो कैसे कैसे चोर है यार, छीन के ले गया, बताओ रेल में से ही छीन के ले गया, उतर ही नहीं पाया, छीन के ले गया। चेन कैसी थी? बोले नई थी। तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? चेन्नई में है। ठीक है, अगला लिखा है मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये जो नाम होंगे इनको, इनकी हम शॉर्ट फॉर्म बना देंगे, इनकी हम शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। जैसे ये मध्य रेलवे लिखा हुआ है, तो मध्य रेलवे को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे मरे। ठीक है, ठीक है, मध्य रेलवे को शॉर्ट में क्या पढ़ देंगे अपन? मरे। अब मरे का मतलब क्या है? बोले मुंबई ताज होटल में हमला किया गया, मुंबई ताज होटल में हमला किया गया। कसाब ने हमला किया था ना 26/11 को, याद होगा 26 नवंबर को कसाब ने हमला किया था। ठीक है, तो जो 26/11 को हमला हुआ तो मुंबई हमले में बेकसूर लोग मरे। तो मरे यानी कि मध्य रेलवे, और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसको सन 2004 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। मध्य रेलवे यानी मरे, और मरे तो भैया कहां मरे? बोले मुंबई में मरे जाके। ठीक है, आपके यहां से भी जैसे अभी CDS जो है बिपिन रावत छाए हुए हैं, देखो, और अच्छी बात है, हर कोई उस चीज को शेयर कर रहा है, हर कोई उसकी पोस्ट डाल रहा है, तो ये अपन देखो एक प्रकार से अपनी देश के प्रति जो अपनी भावना है देशभक्ति, उसी को ही अपन एक प्रकार से दर्शा रहे हैं जो भी है। तो मेन है देखो उनकी मृत्यु हुई है, तो वहां से क्वेश्चन तो बनेगा आने वाले पेपर में, पक्के में बनना है ये मान के चलो। हमारे मध्य प्रदेश का भी एक व्यक्ति है जो उस हवाई दुर्घटना में शहीद हो गया है, उसका नाम जितेंद्र वर्मा, उसका नाम है जितेंद्र वर्मा, और जितेंद्र वर्मा सीहोर के हैं, जितेंद्र वर्मा जो है वो सीहोर के हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्या होता है ये चीजें डेली में आती हैं, पर हम क्या करते हैं, हाँ पता है बिपिन रावत है, हाँ पता है, सब पता है, फिर बाद में 10 दिन बाद 20 दिन बाद भूल जाते हो। तो कहीं भी जो है उसको नोट करके रखना है, याद रखना है, जितेंद्र वर्मा का संबंध सीहोर से है, और अभी मुख्यमंत्री ने
उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार वालों को देने का निर्णय लिया है। दूसरा, उनकी जो वाइफ हैं उनको एक सरकारी नौकरी देने का भी विचार किया गया है। अब जो होगा नहीं होगा बात की बात है, फिलहाल की स्थिति में नाम तो हाईलाइट हो गया ना। अब मध्य प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति उसी को ही अपन याद नहीं रखें तो कैसे काम चलेगा। हालांकि एक व्यक्ति और था वो बच गया था, और एक व्यक्ति था उसकी डेथ हो गई, तो जिससे वो शहीद हो गया उसका नाम याद रखना है। नाम क्या है? जितेंद्र वर्मा, जो सीहोर के हैं, बस इतना याद रखना है। और ये जो घटना हुई है 8 अक्टूबर को हुई है, और 8 अक्टूबर को पता है वायुसेना दिवस होता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है, वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और आपका थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को, और आपका जल सेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 अक्टूबर ही बोल रहा हूँ, बोल तो अक्टूबर ही रहा हूँ ना, मैंने बोला तो 8 अक्टूबर ही होगा, 8 दिसंबर नहीं बोला यार, 8 अक्टूबर बोला है मैंने। अब वो 8 क्या है, वो 8 तारीख है ना ये वाली, 8 दिसंबर की घटना है, लेकिन मेरे को वो 8 अक्टूबर याद आया, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है वो। ठीक है, 8 दिसंबर को नहीं, मैं अपने शब्द वापस लूंगा, पर 8 अक्टूबर को होता है वो, मैं बोल तो 8 अक्टूबर ही रहता, वो डेट सेम है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा ध्यान ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा था दक्षिण पूर्वी रेलवे, अब क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाया दपूरे, क्या शब्द बनना है दपूरे, और दपूरे का मतलब यह है दीपूरे। एक अंकल है वो अपने बेटे को दीपू को कॉल करते हैं, क्या करते हैं कॉल करते हैं, और कॉल कैसे करते हैं आपने देखा होगा ना कभी गांव में छत पे ऐसे आवाज़ देते हो दीपूरे ऐसे करके आवाज़ देते हैं, अगर वो खेत में होगा ना 10 किलोमीटर दूर भी तो सुन लेगा आ रहा हूँ, यानी खेत में इतनी दूर है वो दिख नहीं रहा, अपन को नहीं दिखेगा कहाँ है, और इधर से माँ की आवाज़ सुनेगा ना तो उधर से अपने आप भागता हुआ आ जाएगा, है ना। तो कनेक्टिविटी खतरनाक होती है गाँव में, कितने दूर हो खेत में और इधर आवाज़ आ गई ना छत पर से तो समझ लो पता नहीं कहाँ से सुन के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है द पूरे यानी कि दीपूरे, तो वो क्या करते हैं कॉल करते हैं, उसकी माँ कॉल करते हैं, उसके पिताजी कॉल करते हैं, दीपू को बुलाते हैं। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे क्या होगा, अभी दक्षिण पश्चिम रेलवे अलग है, वो हुबली में आएगा, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे अलग है और दक्षिण पूर्वी रेलवे अलग है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में। वैसे भी दक्षिण पूर्वी में आओगे तो आप इधर कलकत्ता में आ ही जाओगे, लेकिन जहाँ तक है आपको ध्यान रखना है, वैसे पूर्वी एरिया में पूर्वी क्षेत्र देखोगे तो उसमें कलकत्ता आता ही है, पश्चिम बंगाल जो है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की साइड आता है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे को याद रखना है, आपको तो शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, आपको मैप में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा कहाँ पर क्या है, आपको बस केवल कोड याद रखना है। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे इसको बोलेंगे, इसको काट देता हूँ। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। ठीक है, मालेगांव, जहाँ तक है शायद मालेगांव महाराष्ट्र में ही आता है। ठीक है, मालेगांव जो है वो महाराष्ट्र में ही आता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, तो पूर्वी से सीमा कह रही है, सीमा उसकी बहन है पूर्वी की, उत्तर पूर्वी, और कौन कह रही है, सीमा कह रही है कि मालेगांव आ गए हैं, मालेगांव का मतलब मालेगांव आ गए हैं, हमारे गांव आ गए, अब तो उतरो रेल में बैठे रहोगे क्या। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे यानी उत्तर पूर्वी, पूर्वी उत्तर कौन कह रहा है, बोले सीमा कह रही है, और सीमा क्या कह रही है उससे, मालेगांव मतलब हमारे गांव यानी हमारे गांव आ गए हैं। तो मालेगांव में इसका मुख्यालय है, किसका, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद में। अब देखिए उत्तर मध्य रेलवे लिखा हुआ है तो यहां पर एक शब्द बनता है उमर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया, उमर। उम्र का मतलब ये है जब इंसान की उम्र हो जाती है तो ऊपर चला जाता है, और ऊपर चला जाता है तो फिर कहां पर पहुंचता है, ठीक है,
इलाहाबाद में पहुंचता है यानी कि प्रयागराज में पहुंचता है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, देखो दक्षिण पश्चिम रेलवे का क्या बनता है? दपरे, ठीक है। हुबली ये कर्नाटक में है, देखिए हुगली जो था ना, हुगली गगमले का आएगा तो वो कलकत्ता होगा, पर हुबली होगा ना तो ये होगा आपका कर्नाटक में, ठीक है। हुबली कर्नाटक में आता है, तो यहां पर दक्षिण पश्चिम रेलवे वो था दक्षिण पूर्वी रेलवे, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे होगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? द पूरे दीपूरे, तो क्या करती है वहां उसको कॉल करती है, कॉल करती है यानी कलकत्ता। अब बन गया दक्षिण पश्चिम रेलवे दपरे, दपरे यानी हुबली। अब देखो हुगली नहीं है ये, क्या है? हुबली है, हुबली बावल। अब देखिए हुबली का मतलब होने वाली है बलि, किसी की बलि लगने वाली है। तो भैया चार पांच बकरे हैं, उनमें से एक बकरे की बलि लगने वाली है, तो एक सियाना बकरा है तो वो कह रहा है दूसरा वो दुपरे दुपरे जल्दी से दुपरे दुपरे, ठीक है। वो क्या कह रहा है? दोपरे दोपरे। बोले क्यों? अबे हु बली, ओ बली होने वाली हो, बली लगने वाली है, किसी की भी लग सकती है। तो जो सियाना वाला है ना वो पीछे की साइड, और उसका जो दोस्त है उसको भी कह रहा है इसको ज्यादा होशियार बनना है ना, इसको आगे हों दो, इसी को ले जाएंगे घेर के अपन पीछे दोपरे दोपरे, ठीक है। तो इतने सारे में से वो एक निकालेगा, एक निकालेगा तो पीछे पीछे की साइड जो सियाने वाले हैं वो पीछे हो गए। तो वो क्या कह रहा है? ओए दोपरे दोपरे, क्यों? हु बली यानी क्या होने वाली है? बली होने वाली है अब में से किसी की, इसलिए जिसको नहीं होना तो वो क्या कर? दुपरे, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो गया? हुबली में। पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। कुछ याद आया? भुवनेश्वर उड़ीसा भी पढ़ा था हमने। नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन नालको का जो मुख्यालय है, नालको जो मुख्यालय है वो कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। नल को जुड़वाना पड़ेगा, नल है फूटा। 1981 में नालको की स्थापना हुई थी और पानी उड़ीसा से अपन ने याद कर ही लिया था, ठीक है। तो पूर्वी तट रेलवे है, और पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? भुवनेश्वर। तो पूर्वी तट पर ही तो उड़ीसा है, पूर्वी तट पर उड़ीसा है, तो पूर्वी तट रेलवे यानी उड़ीसा का तट है पूर्वी तट पर। अब तुम कहोगे आंध्र प्रदेश भी तो है, तुम कहोगे आंध्र प्रदेश भी तो है, तुम कहोगे पश्चिम बंगाल भी तो है, लेकिन जो पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उड़ीसा भुवनेश्वर। अगर ऐसे भी बोल सकते हैं यहां पर पूर्वी तट लगा हुआ है, तो तट का मतलब एक समुद्र का तट हो गया, और समुद्र के तट के किनारे भवन होते हैं ना ईश्वर के, भुवनेश्वर भवन होते हैं ईश्वर के। नदी के तट पर मंदिर होते कि नहीं होते? ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, होते कि नहीं होते? जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, तो ये कहां होते हैं? समुद्र के तट पर होते हैं ना। तो जब पूर्वी तट रेलवे लग जाए तो समझ जाना कि वही तट की बात कर रहे हैं, और तट पर क्या होता है? भवन होता है, और भवन किसका होता है? ईश्वर का भवन होता है, यानी कि भगवान का मंदिर होता है। तो पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, ठीक है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है भाई? चर्च गेट मुंबई, ठीक है। चर्च गेट मुंबई में है, पश्चिम रेलवे है। अब पश्चिम रेलवे का शॉर्ट फॉर्म बनता है परे, क्या शब्द बना? परे 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 का मतलब क्या हुआ कि दो मेहमान थे, वो सुबह 7 बजे अपने रिलेटिव के यहाँ आए, बोले तुम तो रात में आने वाले थे, अरे हमारी ट्रेन लेट हो गई थी तो हम चर्च के गेट पर परे थे, यानी चर्च की गेट पर हम परे रहे, और वहाँ पर परे रहे तो हमारी नींद लग गई, नींद लग गई तो सुबह उठ के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ परे थे? कहाँ परे थे? चर्च गेट मुंबई में, ठीक है। तो परे थे का मतलब चर्च के गेट पर ऐसे ही पड़े रहे, और पड़े रहे तो उनकी नींद लग गई, नींद लग गई तो सुबह उठ के पहुंच गए। तो पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। अब पश्चिम रेलवे है, पश्चिम रेलवे का हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया? परे। तो परे का मतलब क्या हो गया कि चर्च के गेट पर पड़े थे, तो चर्च गेट मुंबई आपको याद रखना है। अब देखिए पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे का क्या बना दिया अपन ने? पूरे, है ना, पूर्वी रेलवे यानी पूरे। तो कोलकाता लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोलकाता कैसे याद रखोगे? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो या आप क्लास में बैठे हो, आपका दोस्त आपको फोन लगाए, तो भैया वो पूरे ही कॉल करता है, फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा। उसमें इतनी समझ नहीं है, सामने वाला बिजी भी तो हो सकता है,
क्लास बैठा है या गाड़ी चला रहा है, लेकिन फिर भी वो दिमाग नहीं लगाता सामने वाला, वो तो पूरे कॉल करता है, ठीक है, पूरे कॉल करता है। ये नहीं कि अगर वही फोन नहीं उठा रहा, एक बार नहीं उठाया, तो समझदारी ये है, समझदारी ये है कि आप उसका फोन आएगा उसका इंतजार करो, नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो पूरे कॉल करता है। पूरे कॉल करता है यानी कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, कलकत्ता में हो गया, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, सिकंदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद नाम सुना है, इनको शायद जुड़वा नगर कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। तो यहां पर सिकंदराबाद है दक्षिण मध्य रेलवे। अब दक्षिण मध्य रेलवे से कैसे याद रखोगे, देखो शॉर्ट फॉर्म क्या बन रही है, दम रे, क्या शॉर्ट फॉर्म बन गई तुम्हारी, दम रे। अब दम रे का मतलब दम थी रे, बोले किस में दम थी, बोले सिकंदर में बड़ी दम थी रे, ठीक है, सिकंदर में बड़ी दम थी रे। बोले क्यों, बोले सिकंदर ने विश्व विजयी अभियान पे चला था, सिकंदर विश्व विजयी अभियान पे चला था, यानी पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर अपने अभियान पे चल दिया था कि मुझे दुनिया को जीतना है, और सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में हो गई थी, 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में उसकी डेथ हुई थी, किसकी, सिकंदर की। यानी कि ये समझ लो आपके 20 वर्ष की आयु में उसके अंदर इतना जज्बा था, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो दुनिया को जीतना चाहता था, सोचिए। तो सिकंदर में दम थी रे, दम रे, दक्षिण मध्य रेलवे। इसी सिकंदर ने हमारे हिंदुस्तान में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, और उसमें पौरस को हराया था, पौरस जो था ना, पौरस, हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था, उसने पौरस को हरा दिया था, और पौरस को हराने के बाद भी पौरस का साम्राज्य पर अधिकार नहीं किया, उसको लौटा दिया। तो कहने का मतलब सिकंदर ने इतने युद्ध जीते हैं, तो सिकंदर में थी दम रे, दक्षिण मध्य रेलवे, और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो गया, सिकंदराबाद में, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे, इसको गोरखपुर को याद रखना है, हालांकि अब कंफ्यूजन होगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे आप पढ़ चुके हैं, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव पढ़ चुके हो, अब यहां पर उत्तर पूर्वी रेलवे लिखा है, तो इसको पूर्वोत्तर रेलवे पढ़ेंगे अपन, पूर्वोत्तर रेलवे पढ़ेंगे, ठीक है। उधर सीमा शब्द लगा है, सीमांत, और सीमांत शब्द लगा है, देखो इसमें नीचे तो नहीं है पूर्वोत्तर नाम, नहीं है ना, लास्ट में है, हाँ लास्ट में पूर्वोत्तर रेलवे अकेला लिखा है क्या, हाँ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे लिखा है वो, और ये पूर्वोत्तर रेलवे अकेला है, और वो उत्तर सीमांत रेलवे भी है ना, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि तीन नाम है। अब देखिए यहां पर उत्तर पूर्वी रेलवे, तो पूर्वोत्तर को याद रखो आप, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वोत्तर गोरख, गोरख के ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई कोई दोस्त है वो पेपर देने जा रहा है, पर दूसरे दोस्त को पहले ही से पेपर मिल गया, आंसर शीट मिल गई, तो कह रहा है कि तू पेपर देने कल जाएगा, तू तो पूर्वोत्तर रख मेरी तरफ से, जा मजे कर, पूर्वोत्तर रख, पूर्वोत्तर रख, यानी कि पेपर देने से पहले ही उत्तर रख, यानी कि पूर्वोत्तर, पेपर देने से पूर्व ही तो उत्तर रख, आराम से पेपर देके आना, बढ़िया शानदार तेरा पेपर जाएगा, क्योंकि अपन को मिल गया है पेपर। तो पूर्वोत्तर रेलवे से याद रखना, ना कि उत्तर पूर्वी रेलवे से याद रखना, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। तो आपको पता है कि पूर्वी और वो सीमा दोनों जा रही थी, तो भाई जब पूर्वी उतर रही थी तो पूर्वी क्या कर रही थी, उसको रेल की पटरी को क्रॉस कर रही थी, और जब क्रॉस कर रही थी तो अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गई। अच्छा, सीमा जो थी ना वो सामान उतार रही थी बोगी में से, पर वो आगे रेल के आगे आ गई, आगे आ गई, जैसे रेलगाड़ी चालू हुई तो उसका ध्यान गया, और ये तो पूर्वी जा रही है, वो थोड़ा कम सुनती थी, तो रेल चालू हो गई और वो पटरी के सामने, तो जल्दी से क्या किया उसने, सीमा ने रेल की जो थी चेन खींच दी, चेन खींच दी तो रेल बंद हो गई, बंद हो गई तो आरपीएफ के जवान आए, तो उन्हें पता चल जाता है कौन से डिब्बे में चेन खींची थी, तो वहीं पर पहुंचे, भाई ये रेल क्यों, किसने बंद करवाई,
तो उसने बोला साहब ये पूर्वी जो थी ना मध्य रेलवे, यानी कि पूर्वी जो है ना रेल के क्या आ गई थी, मध्य आ गई थी। आपको विश्वास नहीं होता ना, आप किसी से भी पूछ लो, किसी से ही पूछ लो कि ये मध्य आ गई थी क्या रेलवे में, तो हाँ बोले जो भी जिससे भी पूछ रहे हैं, क्यों ये आ गई थी क्या रेल के मध्य, आ गई थी क्या, सब कहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ गई थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ गई थी, बिल्कुल हाँ जी आ गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में। क्या होता है, चीजें अपन जब पढ़ते हैं तो अपन को लगता है बहुत ज्यादा अटपटी लगती है कि अपन इतना क्यों दिमाग खपा रहे हैं और क्यों इनको पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं पढ़ रहे, पर क्या है कि ये चीजें एक नंबर देके जाती हैं और एक नंबर की वजह से अपन को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। वरना मैं आपको गारंटी देता हूं कि 99% स्टूडेंट पहली बार तो ये याद करता ही नहीं है ये पूरी लिस्ट को। आप किसी से लिस्ट पूछ के देख लेना, कहीं भी पढ़ रहा हो उससे पूछ के देख लेना, 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे, 1% ही होगा कि वो सोच लेगा कि हाँ भाई उसने कई बार 10-20 बार पढ़ा हो तो उसको याद हो। तो अपन तो एक ही बार में इसको याद करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिखा है भैया, पेपर में जो क्वेश्चन दिख गया ना तो हमने वो टॉपिक कैसे ना कैसे करके तैयार कराना है स्टूडेंट को। एक क्वेश्चन दिख जाए बस कि हाँ भैया यहाँ से बना है, तो फिर अपन उस चीज को छोड़ना नहीं है। अपन को मान लीजिए टेबल पूछा था, कल के दिन मुख्यालय पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है बताइए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो दक्षिण मध्य रेलवे का, तो बस शॉर्ट फॉर्म बनाना है दक्षिण मध्य रेलवे यानी दमरे सिकंदराबाद, गलत हो गई नहीं यार। अगर आपसे बोलते हैं उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बताओ, उत्तर मध्य रेलवे शॉर्ट फॉर्म बना दो ओमर, ओमरपुरी हो गई तो इलाहाबाद प्रयागराज आ गया, आया कि नहीं आया, ऐसे ही याद आएगा। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, बताइए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताइए, नहीं चमका, नहीं चमका, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। और एक आदमी नीचे देखा भी और लिखा तो है, वैसे हो सकता है मिले ही ना, जयपुर में होगा, देखो जरा है। अब समझ में आया पढ़ना और नहीं पढ़ना दोनों में अंतर, पढ़ा हुआ था तो दिमाग बोला कि हाँ यार इसका ये होना चाहिए। अच्छा अगर आपसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताओ, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी द प रे यानी कि दुप रे हुबली कर्नाटक, अगर मैं बोलता हूं दक्षिण पूर्वी रेलवे तब दीपुरे तब कलकत्ता होगा, ऐसा थोड़ी यार, देखो नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अब तुम्हारी व्यवस्था बना दी मैंने कि ऐसे याद कर लो, पर उसको भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ना है, ये नहीं कि आपसे पूछ रहे हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे और तुम बता रहे हो दक्षिण पूर्वी रेलवे, है ना। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में नाम याद, अगर आपसे बोलते हैं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, बनाओ शॉर्ट फॉर्म पश्चिम रेलवे, परे कहां परे थे, चर्च की गेट पे है तो चर्च गेट मुंबई। और अगर आपसे बोलते हैं पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बताओ तो पूरे कलकत्ता आ गया अपने आप ध्यान में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्वी मध्य रेलवे यानी कि पूर्वी जो थी वो रेल के मध्य आ गई थी इसलिए बंद करवा दी गई, हाजीपुर हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे ये तो तुम्हें वैसे ही याद रहता है क्योंकि एक ही तो था जिसका मुख्यालय आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर में था, पश्चिम मध्य रेलवे यही अकेला याद था ना गारंटी से कि हाँ ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक है अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। ठीक है अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा ऊपर, यानी कि ऊपर वाले की हमेशा हम जय बोलते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे यानी ऊपर, और ऊपर कौन है, ईश्वर है, तो ईश्वर की हमेशा क्या बोलते हैं हम, जय बोलते हैं, ऊपर वाले की जय ही बोलेंगे, तो स्वाभाविक है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, जयपुर में होगा। ठीक है अगर उत्तर पूर्वी रेलवे अगर आ गया, उत्तर पूर्वी रेलवे अगर आ गया तो उत्तर पूर्वी रेलवे यानी उत्तर उत्तर रेलवे आ जाएगा ना, तो उत्तर रेलवे अकेला आता है तो दिल्ली, और उत्तर पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे बोल दो तो पूर्वोत्तर रेलवे आ गया तो गोरखपुर आ जाएगा, और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे अगर आ गया
मालेगांव आ जाएगा, राइट। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे आ गया तो मालेगांव। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तीन नामों में ही कंफ्यूजन हो रहा है ना, उत्तर रेलवे में, उत्तर पूर्वी रेलवे में, उत्तर सीमांत रेलवे में, तो तीन चार ही तो पढ़ना पड़ेंगे बस तुम्हें, बाकी में कहीं कंफ्यूजन है क्या? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? ऊपर, जयपुर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे को पूर्वोत्तर बोल दो और पूर्वोत्तर मिल जाएंगे तो पूर्वी उत्तर रख, रख यानी कि गोरखपुर आ जाएगा। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे अगर आ जाता है तो मालेगांव आ जाएगा। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमा कह रही थी पूर्वी से कि रेलवे से उत्तर, क्योंकि मालेगांव आ गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या है, सुनिए, या दक्षिण भी है, या पूरब भी है, या मध्य भी है, यानी अभी तो केवल वही चल रहा था कि पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, केवल ये दो दिशाएं, अब इसमें तीन तीन आ गए, आए कि नहीं आ गए? इसमें दक्षिण भी आ गया, पूरब भी आ गया और मध्य भी आ गया। दक्षिण है, पूरब है, मध्य है, तो ये कहां पर है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, बिलासपुर में। तो देखिए बिलास को याद रखना है, थोड़ा सा बिलासपुर को याद रखना है, और बिलासपुर को दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, यानी कि अगर तुम्हें तीन दिशाएं ऐसी दिखती हैं कि भाई दक्षिण भी दिख रहा है, पूरब भी दिख रहा है और मध्य भी दिख रहा है, इसके ऊपर के देख लो आप, ऊपर में जहां तक है दो ही दिशाएं आपको दिखेंगी, दक्षिण पूर्वी है या दक्षिण पश्चिम है, ऐसे दिखेगा। रेलवे के पहले की बात कर रहा हूं मैं, रेलवे तो अलग चीज हो गई, रेलवे के पहले आप देखेंगे जहां तक है दो देखेंगे, हाँ वो अलग है कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, तो सीमांत कोई दिशा नहीं है, तो सीमांत को, हाँ पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, तट तट लगा हुआ है तो भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा में। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये मिक्स है ना, तो अगर अगर इतना होता पूर्वी मध्य रेलवे, तो पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी आ गई थी मध्य रेल के, हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर, ठीक है। और अगर इसमें इसको मिला दिया दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे कलकत्ता, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, तीन दिशाएं आ गई, तो बिलासपुर को याद रखना है बस अपन को, क्या याद रखना है? बिलासपुर को याद रखना है, ठीक है। तीन गिलास याद कर लेना, तीन गिलास पानी लेके आओ, ठीक है, दो मेहमान आ गए उनको और एक अपन को, ठीक है, तो तीन गिलास पानी लेके आओ, तीन गिलास बिलास, तीन गिलास, तीन गिलास, ठीक है। कलकत्ता मेट्रो रेलवे, तो कलकत्ता ही है, हाँ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है असम गुवाहाटी में, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहाँ पर है? असम गुवाहाटी में। और दक्षिण तट रेलवे, ठीक है, वो पूर्वी था और ये दक्षिणी है, तो दक्षिणी तट रेलवे कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पर ये दो नामों में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी के मैंने पूरे नाम आपको याद करा दिए हैं, ऑप्शन में आएगा ये पक्की बात है, आप गलत करके नहीं आओगे, आप सही कर लोगे उसको, तो यहाँ पर जोड़ तोड़ के सरकार बनी जाएगी तुम्हारी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, अगर केवल पूर्वोत्तर रेलवे आता है तो गोरखपुर, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आता है तो असम, ठीक है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे असम को याद रखना है कि पूर्व में ही उत्तर दे दिया, किसने सीमान है कोई नहीं दे पाया, और उसने हाल की हाल आंसर दे दिया क्या? असम, दीपू असम, ठीक है। तो दीपू असम पढ़ा है आपने, दीपू असम पढ़ा है, क्या है दीपू असम में? हाँ राइट, गर्म पानी, गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा है, वो दीपू असम में है, और जो दीपू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो बॉमडेला दर्रा है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखो कितने सारे नाम याद हो गए तुम्हें, है ना। अच्छा कोटगिरी कहाँ पर है? कोटगिरी अभी पढ़ा नहीं है इसलिए चमका नहीं है, अब पढ़ोगे तुम आगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहाँ पर? असम गुवाहाटी में। और दक्षिण तट रेलवे, ध्यान रखना ये दक्षिण तट रेलवे लगा जरूर है, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। इसको जरूर ध्यान रखना क्योंकि इसमें तमिलनाडु जरूर देगा वो ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी लिखा है ना, तो स्टूडेंट सोचेगा दक्षिणी तट में तो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु होना चाहिए, जबकि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? विशाखापट्टनम, ठीक है।